मॉड्यूलेशन कॉम्बिनेशन का टॉप अप सीरीज जो भेजा था ये उसका सॉल्यूशन है। चलो पहला सम ये है, देखो सपोज x एंड y बिलोंग्स टू आर एंड सेटिस्फाइज एक रिलेशन, इफ a इज मैक्सिमम वैल्यू एंड b इज मिनिमम वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक तो सिग्निफिकेंट डिजिट, ये तो लॉग का सम है, और एक वैल्यू दिया हुआ है 7x² - 9xy + 7y² = 9, और तुमसे पूछता है एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन है x² + y², इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो इस चीज को ये थोड़ा अलग क्या सम है, ये वो सम है जहां पे नॉर्मली ऐसा सम जब देखोगे तो यूज ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये जो x² + y² है इसे रेडियस वेक्टर कहा जाता है। जब भी मैं एक पॉइंट x, y लेता हूं तो x² y² ओपी का डिस्टेंस होता है, रूट ओवर ऑफ x² + y², और इसलिए इसे रेडियस वेक्टर कहा जाता है। अगर मैं इसको r ले लेता हूं तो इसका मतलब है कि मुझे r का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, या r² बात बराबर, अगर r का निकाल लोगे तो r² कर लोगे। तो ये जो x है, अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो x मेरे लिए r cos थीटा होगा और y मेरे लिए r sin थीटा होगा। तो e क्या है मेरा यहां पे x² + y² अगर मैं ये वैल्यू इसमें डाल दूं तो ये r² हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं x को r cos थीटा डाल दूं, y को r sin थीटा डाल दूं, तो मुझे r² का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जहां पे xy जो है वो कहां पे लाई कर रहा है, लाइज ऑन कर 7x² - 9xy + 7y² = 9। तो अगर ये पुट अप कर दूं तो 7 r cos θ² - 9 r cos θ (sin θ) + 7 r sin θ² = 9। तो r² अगर कॉमन ले लूं तो ये क्या बन रहा है, ये 7 cos²θ, 7 sin²θ, तो ये तो 7 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9 क्या cos θ (sin θ) = 9। तो r² क्या फॉर्मूला, ये देख के दिमाग में आ रहा है कुछ, cos θ (sin θ) देख के, sin क्या (2θ) = 9। तो r² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 18 = 14 - 9 × sin²θ। तो वेरिएबल अब केवल यहीं पे मिला, तो क्योंकि वेरिएबल अब मुझे यहीं पे मिला तब तो खेला खत्म हो गया। r² का मैक्सिमम कब होगा, r² तब मैक्सिमम होगा जब डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू, ये पूरा मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, ये जब तुम मिनिमम होगा ये 14 - 9, क्योंकि sin²θ का मैक्सिमम वैल्यू 1 लोगे जब, तो ये 18/5 हो जाएगा। और r² मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब डिनोमिनेटर में जो दिया हुआ है 14 - 9 sin²θ ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब sin²θ - 1 होगा, क्योंकि आगे एक माइनस साइन है। तो ये 18/14 + 9 = 18/23। अब क्या निकालना है, 10a+, चलो ठीक है। तो ये तो एक निकल गया, समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, हैज मैक्सिमम वैल्यू a एंड b, तो ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। तो इससे अगर मैं 10a + 23b कर दूं तो ये मेरे पास 54 हो जाएगा। तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 × 10a + 23b - 10a - 27। तो ये 2 × 54 - 27 = 2 × 27। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर ये पूछ रहा है तो इसको एक नंबर दे देता हूँ a। तो log a का वैल्यू क्या था, याद आ रहा है ना, ये फॉर्मूला क्या था, log 2 ऐसे करते थे ना। अब log 2 का वैल्यू क्या था, 27 × log 2 का वैल्यू डाल दो, और एक बार log 2 का वैल्यू डालोगे तो ये तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 8.127 आएगा। ln 2 सबका वैल्यू ये सब याद रखो, मतलब ln 2 और ln 3 का वैल्यू एटलीस्ट याद रखो, हर समय ln 2 और ln 3 का वैल्यू दिया नहीं रहता है। 0.96 through 0.6932, ठीक है, देखना है तो देख लो। ठीक है, आगे निकल लो, चलो स्पेस का जरूरत ही नहीं पड़ा।
समझ में आया ना, निचला समझ में आया ना, वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजीज में जो था वो 8.127 तो क्या था, नंबर ऑफ डिजीज क्या था, उससे खर्चे में ज्यादा होता था, ये 8 आया, इसलिए नंबर ऑफ डिजीज इन 2 to the power 27 जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलो नीचे चलते हैं, ये देखो 3 circles उस रेडिया या 3, 4, 5 टच वन अनदर एक्सटर्नली, तीन सर्कल है जो आपस में टच कर रहा है, ये तीन सर्कल आपस में टच कर रहा है ऑफ रेडियस 3, 4, 5। तो गोल्डन रूल क्या था, एंड द टेंजेंट एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मीट इन अ पॉइंट, ठीक है, एक एक करके करते हैं। तो गोल्डन रूल ये था कि पहले सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये सी ले लो, क्या क्या दिया हुआ है, 3, 3, 4, 4 और 5, 5। And the tangent at their point of contact. Point of contact में tangent draw करो, ये एक tangent, ये point of contact में tangent तुमने draw किया, ये वाला एक tangent draw किया, ये वाला एक tangent draw किया, ये जहां पे meet कर रहा है उसका नाम मैं D ले लेता हूँ, ये E ले लेता हूँ, ये F ले लेता हूँ, ये G ले लेता हूँ। तो DE और ये सब length तो same होगा ना, क्योंकि जब तुम दो tangent इस type से जैसे तुम draw कर रहे हो, ये D जैसे तुमने draw किया, ये तुमने F लिया और ये G लिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगा। तो मतलब अब कभी कभी सेम डायग्राम को मैं यहाँ पे अगर बनाऊं तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है कि ये A है, ये B है, C, ABC का लेंथ 7 है, BC का लेंथ 9 है और AC का लेंथ 8 है, और ये मीट कहाँ पे कर रहा है, ये मीट D में कर रहा है। अब क्या क्या गया D से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये तो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो ये जहां पे मीट करेगा AC के साथ, जहां पे DF मीट कर रहा है वो तो आपस में 90 डिग्री होगा ना, तो इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री, और इनका लेंथ भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी ये क्या होगा, ये तो इन रेडियस हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो सर्कल होगा, अगर इसका सर्कल मैं आर ले लूं तो यही तो इन रेडियस था, और इन रेडियस का मेरे पास एक फॉर्मूला था, आर इज इक्वल टू क्या, डेल बाय एस उस ट्राइंगल का। अब इस ट्राइंगल में ए का वैल्यू 9 है, अगर मैं इसको ए ले लूं, बी का वैल्यू 8 है और सी का वैल्यू 7 है, तो डेल मतलब हीरोस फॉर्मूला में ये क्या था, एस इंटू क्या, एस माइनस ए, एस माइनस बी और क्या, एस माइनस सी, और एस का वैल्यू क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय क्या, टू, पुटअप कर दो आ जाएगा, आगे तो तुम लोग करोगे पुटअप, हाँ ठीक है, वैल्यू पुटअप करके देखे ना आंसर आ जाएगा। तो एस का वैल्यू तो जानते थे ना, वो सेमी पेरीमीटर है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय। चलो आगे चलता हूं, तो निकालना क्या था, द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रंट आइडियल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज आर, तो मतलब ये लेंथ आर दिया हुआ है ना, ये लेंथ आर दिया हुआ। चलो ये देखते हैं, इफ एच सी आर द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, द इक्वेशन ऑफ साइड पी क्यू दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल निकालना है, सेंट्रोइड निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले तो अगर ऑर्थो सेंटर तुम्हें पता है 3, 4, सर्कम सेंटर तुम्हें पता है 1, 2, तो सेंट्रोइड तो यूलर्स लाइन के फॉर्मूला से निकल जाएगा, कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, 1:2, तो जी आ गया, तो ये चेक कर सकते हो सही है या नहीं, वो करना तुम्हारा काम है, ठीक है, सही है या नहीं, ठीक है, आंसर ए और सी है इसका। अब सर्कम सर्कल कैसे निकालें, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी था हमारा कि अगर मेरे पास ट्रायंगल एबीसी है, ये सर्कम सेंटर है तो इसलिए इसे पी क्यू आर ले लेता हूं सी, और ये अगर ऑर्थो सेंटर एच है, तो अगर मैं एक सर्कम सर्कल बनाऊंगा तो एच का जो मैं इमेज लूंगा
एच डैश वो सरकम सर्कल में लाई करता है, मतलब हमारा एक प्रॉपर्टी था कि इमेज ऑफ ऑर्थो सेंटर विथ रेस्पेक्ट टू साइड लाइज ऑन सरकम सर्कल सरकमफेरेंस के, तब तो खेला ही खत्म हो गया। तो तब तो अगर एस डैश निकाल लोगे तो ये तो सरकम रेडियस हो जाएगा ना कैपिटल आर, और सर्कम सर्कल सेंटर तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है सेंटर 1.2 दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसलिए इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो मेरा काम है कि मैं r कैसे निकालूं रेडियस, ठीक है, अगर मुझे रेडियस निकालना है, ठीक है ये r है तो इसलिए इसका नाम चलो कुछ और दे देते हैं, PQ इसका नाम s दे देते हैं। तो r जो है वो CH डैश का डिस्टेंस है, और एच डैश कैसे निकले, अगर एच डैश को अल्फा बीटा ले लूं तो एच का तो वैल्यू दिया हुआ है 3.4, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, देखो साइड ऑफ पी क्यू दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है, तो एक्सट्रीमली सॉरी क्वेश्चन में ये मेंशन है इसलिए इसे आर नहीं लेके स्मॉल आर ले लेता हूं, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा और ये स्मॉल आर हो जाएगा 3.4। तो PQ का तो इक्वेशन दिया हुआ है ना x माइनस वाई प्लस सेवन, तो ये अगर PQ का इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 3.4, और यहां से अगर तुम नीचे लेके आ रहे हो तो ये एस डैश अगर अल्फा बीटा है तो इमेज का एक फॉर्मूला था अल्फा माइनस 3/1 इज इक्वल टू बीटा माइनस 4/-1 नहीं क्या, कोफिशिएंट से इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3.4, इसमें डाल दो 3-4+7 डिवाइडेड बाय 1² + 1² फ्रेंड्स, अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा -3, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा वो निकाल के देख लेना। तो एक बार एच मिल गया, एच डैश मिल गया अल्फा बीटा, तो ये मिल गया -3.10, सी तो मिला ही बाय 1.2, तो खेला ही खत्म हो गया ना। इस सर्कल का इक्वेशन निकालना जिसका सेंटर तुम्हें 1.2 मालूम है, एच तुम्हें -3.10 मालूम है, और ये रेडियस आर निकाल के देख लो। आगे चल रहा हूं, चलो पढ़ के देखो। द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी दिया हुआ है, एंगल बी का कोई एक ट्रायंगल है, ये सपोज मेरा ट्रायंगल है ए बी सी, बी का इंटरनल बाइसेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है क्या x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू जीरो। द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल सी का दिया हुआ है, ये इंटरनल है 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू जीरो, ये एक्सटर्नल है x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू जीरो। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल आई बी सी, आई बी सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल आई बी सी, इज ए कॉमा बी। अब देखो क्या लॉजिक लग रहा है, जो 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 लॉजिक हम लोगों ने सर्कल में लगाया था एक बार कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचते हैं तो ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉनसाइक्लिक था, कैसे ये प्रूफ किया था याद है कि ये एंगल और ये एंगल कितना था 90 डिग्री, तो इसलिए पॉइंट्स ए बी सी डी जो है वो कॉनसाइक्लिक हो जाता है। वैसे ही ध्यान से देखो, ब्लैक लाइन जो दो डॉटेड ब्लैक लाइन है एक्स प्लस वाई ऑब्जर्व करना होगा, और इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हर समय 90 डिग्री में इंक्लाइंड होते हैं, और ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, तो ये एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्कल जो बी आई और सी से जाएगा वो कहां से पास करेगा, वो सर्कल आई डैश से भी पास करेगा, और जिसके लिए आई आई डैश तो ऑफ डायमीटर हो गया, तो खिलाई खत्म हो गया। मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कम
सर्कल ऑफ बी आई सी कहां से पास करेगा, पासेस थ्रू आई डैश विथ आई आई डैश एज डायमीटर। और ये इसलिए क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब ये वाला एंगल मैं कह रहा हूँ, ये एंगल बोल रहा हूँ ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बी तो ये भी एंगल है, मुझे मालूम है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो निकालना क्या है, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर जो होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, आई और आई डैश का। चलो आगे देखते हैं। चलो तो अब आई और आई डैश कैसे निकाल सकते हो। हाँ इसका इक्वेशन मालूम है, इसका इक्वेशन मालूम है, सॉल्व करके आई नहीं निकाल लोगे। आई जो होगा वो क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन, कौन कौन सा, एक ये लाइन और ये लाइन, एक्स प्लस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और 3x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू जीरो, निकाल के देख लेना। i जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 2, 3 और i डैश जो है वो तुम्हारे पास आ जाएगा माइनस 6, एक बार ये और ये मिल गया तो इसका मिड पॉइंट m भी मिल जाएगा, निकाल के देख लेना। चल आगे चलते हैं। करके देखो, वर्टिसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्रायंगल आर 3, 4 ये देन लोकस ऑफ क्या निकालना है, ऑर्थो सेंटर। एक वेरिएबल ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 3, 4, बी कितना दिया हुआ है 5 cos θ और क्या 5 sin θ, सी कितना दिया हुआ है 5 sin θ और क्या -5 cos θ। क्या पूछ रहा है तुझे, लोकस किसका निकालना है, लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, जिसको मैं अभी h, k ले लेता हूं, कैपिटल H। तो एक तो ये तरीका है कि मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं एल्टीट्यूड से, मगर क्या कुछ और कर सकता हूं, उसके लिए अब एक ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा। ये ऑब्जर्वेशन देखो कि 3² + 4² क्या होता है 5² यहाँ पे भी अगर एफसीसा को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 5² अगर ये x और ये y है तो x² + y² क्या मिला। तो ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा कि जब ये ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट तीनों एक इक्वेशन को सेटिस्फाइज कर रहा है, किसको, x² + y² = 5², मतलब सरकम सर्कल ये होगा। तो इससे तुम्हें सरकम सेंटर मिल गया, तब सरकम सेंटर कितना मिला 0, 0। तुम्हें सरकम सेंटर मिल गया, तुम्हें ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है, तो दिमाग में डायरेक्टली आएगा क्या सेंट्रॉइड आसानी से निकाल सकते हो ए बी सी का, ये तो तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सेंट्रॉइड जो होगा वो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो 3 + 5 cos θ + 5 sin θ / 3 और 4 + 5 sin θ - 5 cos θ / 3। अब इसका नाम अल्फा बीटा ले लेता हूँ। अब लोकस निकालना है, h का वैल्यू, h कितना दिया हुआ है h, k, सेंट्रॉइड कितना निकला α, β, सर्कम सेंटर कितना है 0, 0, कौन से रेशो में डिवाइड करता है सेंट्रॉइड 1:2 यूलर्स लाइन, ऊपर देखा था, तो α = 1 × s / 1 × s 2 × 0 तो h/3 और β = k/3 मतलब h = 2 × α, k = 2 × β। अल्फा का वैल्यू ये है तो यहाँ पे जब तुम 2 × α करोगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो h का वैल्यू क्या आया 3 + 5 cos θ + 5 sin θ, k का वैल्यू क्या आया 4 + 5 sin θ - 5 cos θ। यहां से आप क्या कर सकते हो, तब 5 cos θ + 5 sin θ का वैल्यू लिख सकते हो कितना h - 3 और यहां से 5 sin θ - 5 cos θ का, क्योंकि किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो ये तो 5 इसका तो एलिमिनेशन हम लोगों ने सीखा था ना, क्या क्या करते थे 1² +
टू स्क्वायर एलिमिनेट कर लो, फाइव कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। देखना है तो देख लो, फिर आगे चल। सिक्स, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 टेकन ऑल एट अ टाइम विदाउट रिपीटेशन, सबको लेना है, आठ नंबर है, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ द डिजीज ऑक्यूपाइंग फाइव कंसेक्यूटिव पोजीशन। तो देखो ऐसा समय लगता है फाइव कंसेक्यूटिव पोजीशन, हाँ सही बात है यार, बड़ा अजीब समय, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जब तुम फाइव डिजिट नंबर, एक सपोज मैंने कोई भी कंसेक्यूटिव यहां से अगर उठाया, फर्स्ट प्लेस से अगर उठाया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ प्लेस है, ये सेवेंथ प्लेस है और ये एट प्लेस है, तो वन से अगर उठाऊंगा तो वन से लेके फाइव तक जाएगा। देखो ऐसे समय क्या होगा, मैं बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, इस फाइव, ये देखो फाइव कंसेक्यूटिव पोजीशन डिविजिबल बाय फाइव कब होगा, ये लाइन, मतलब अगर क्योंकि तुम इस यही नंबर से नंबर बना रहे हो ना, तो फाइव से तो तभी डिविजिबिलिटी हो सकता है, फाइव तो एक प्राइम नंबर है। तो इसलिए अगर तुमसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी ई डिविजिबल बाय फाइव, तो इसका मतलब है इसमें से कोई एक नंबर, ये मल्टीप्लीकेशन है रे, कोई डिजिट वो नंबर नहीं है, हाँ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो एनी वन मस्ट बी फाइव, जीरो तो पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ पे तो जीरो दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि एनी वन मस्ट बी फाइव, किसी एक को फाइव होना ही पड़ेगा। तो अब आगे देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहां से जाएगा तो ये, यहां से जाएगा तो ये फाइव डिजिट, यहां से जाएगा तो ये फाइव डिजिट। इसका मतलब है कि अगर मैं फाइव को यहाँ पे प्लेस करूंगा तो नहीं होगा, क्यों, अगर फाइव को यहाँ पे प्लेस करूं तो मैं अगर इनको उठाऊंगा तो क्या कंसेक्यूटिव डिजिट में, क्योंकि अब जो भी नंबर तुम डालोगे 2 3 5 को हटा दो और किसी को भी मल्टीप्लाई करो, फाइव से तो वो डिविजिबल होगा नहीं, तो फाइव कहाँ पे हो सकता है, मतलब कोई भी तुम उठाओ फाइव, फाइव तुम कहाँ पे रखोगे, बेस्ट बेट क्या है फाइव का रखने का, जहां पे इंटरसेक्शन है, तो कौन कौन सा सब जगह है। तो हमने ये देखा कि ये जो फोर और फाइव है ये हर पिकअप में आ रहा है, देखो तुम चाहे कोई भी फाइव, कोई भी अगर मैं यहाँ पे फाइव डाल दूं तो तुम कोई भी कॉन्जिकेटिव फाइव नंबर डालोगे तो फाइव आएगा। इसका मतलब है इस पूरे महाभारत में जो इन लोगों ने यहाँ पे दिया है, इसका मतलब है कि वो जो डिजिट फाइव है मस्ट बी इन आइदर फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन, तो खेला खत्म। तो अगर ये फोर या फाइव में अगर ये होना पड़ेगा तो फाइव कितने तरीके से डाल सकते हो, तो इसीलिए चूज पोजीशन फॉर फाइव, ये तो टू सी वन, कोई सी एक में, दोनों में से कोई एक, तो रिमेनिंग जैसे सपोज मैंने इसमें फाइव डाल दिया तो रिमेनिंग जो ये बॉक्सेस हैं तो ये कितने बॉक्सेस हो गए, एक सात बॉक्सेस खाली होंगे ना, इसमें आप डिजिट को जैसे डालने का मन है, तो रिमेनिंग सेवन डिजिट को सेवन प्लेसेस में कितने तरीके से, सेवन फैक्टर, इसलिए जो आंसर होगा वो 2c2 2c1 इंटू क्या सेवन फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या 8 फैक्टोरियल बाय 9, तो ये 2 × 7 फैक्टोरियल = 8 फैक्टोरियल बाय n, मतलब ये हो जाएगा 8 by n × 7 factorial, तो n का वैल्यू ये 2 होना चाहिए था, इसलिए n क्या आया 4 आ गया। देखना है तो देख लो। सपोज दैट देयर आर 5 रेड पॉइंट्स एंड 4 ब्लू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसमें क्या कह रहा है, जिसमें 5 रेड पॉइंट्स है और 4 ब्लू पॉइंट्स है, तो डालें ए बी सी डी, 5 रेड पॉइंट्स 4 ब्लू पॉइंट्स, 1 2 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो इसमें कितने पॉलीगॉन्स बन सकते हैं, पॉलीगॉन का मतलब दो पॉइंट को चूज करोगे तो पॉलीगॉन तो बनेगा नहीं, हाँ तीन पॉइंट चूज करोगे तो एक ट्रायंगल बनेगा,
जैसे इसमें पूरे रेड आ गए हैं, केवल रेड वर्टेक्स, मगर ये वाला अगर ले रहे हो तो रेड और ब्लू दोनों है, ये वाले में केवल ब्लू है, ये भी ठीक है अगर इस टाइप से बना रहे हो तो। फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्वेक्स, इसके अंदर जब पॉलीगॉन बनाओगे तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ही बनेगा। कॉनकेव पॉलीगॉन ऐसा होता है जिसका इनसाइड एंगल जो होता है 180 से बड़ा, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं पॉसिबली इसको, तो ये तो ऐसे भी यहाँ पे नहीं बनने वाला है, ठीक है, तो ये तो बनने वाला है नहीं, ठीक है, ये तो क्रॉस कर गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हुज वर्टाइसेस आर अमंग 9 पॉइंट्स, ठीक है, एंड हैविंग एटलीस्ट वन ब्लू वेक्टर। तो एटलीस्ट एक ब्लू के लिए क्या क्या हो सकता है, एक ब्लू हो सकता है, दो ब्लू हो सकता है, तीन ब्लू हो सकता है, और क्या चार ब्लू हो सकता है, या तो वैसे ले सकते हो, नहीं तो मेरा कहना एटलीस्ट वन ब्लू के लिए हमारे पास और एक गोल्डन रूल था, उसे हम लोग काउंटर मेथड कहते थे। तो मुझे तो एक एक करके करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कितने हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, एक ट्रायंगल हो सकता है, मतलब तुम थ्री सेट को चूज कर सकते हो, थ्री सेट पॉइंट तो वो ट्रायंगल मिलेगा, नहीं तो तुम एक फोर सेट पॉइंट चूज कर लो, जाते जाते मैक्सिमम क्या कर सकते हो, सबका सब भी चूज कर लो, ये भी एक पॉलीगॉन है, तो यहाँ पे तुमने सबके सब कुछ चूज, तो नाइन सेट पॉलीगॉन हो सकता है, ऑक्टागॉन हो सकता है, आठ हो सकता है, तो तीन, अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे तुम्हारे पास, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं, चार पांच छह सात आठ और नौ, नौ में से तीन, कोई भी तीन को तुम चूज करोगे एक ट्रायंगल मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9C3 प्लस 9C4, जाते जाते कहां तक 9C9। अब ये निकालने का एक तरीका था, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला था कि NC0 प्लस NC1, ये अगर NCN तक जाता है तो वो 2n था, तो ये क्या हो जाएगा 2n माइनस, क्या क्या गायब है, 9C0 गायब है, और क्या गायब है, 9C1, और क्या 9C2, तो ये कितना हो जाएगा 512 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 36 करके देखो तो ये 466। तो देर आर टोटल 466 कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है, उसमें एटलीस्ट वन ब्लू वर्टेक्स कह रहा है, तो मेरा कहना है कि नंबर ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नो ब्लू वर्टेक्स ले लेते हैं, ये तो गोल्डन रूल था, कोई भी ब्लू वर्टेक्स नहीं है, अगर कोई भी ब्लू वर्टेक्स नहीं है तो 1, 2, 3, 4, 5 इसी में की गेम खेलना होगा, तब तुम्हारे पास, तब तुम क्या क्या कर सकते हो, तब तुम थ्री सेट एक ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं तो तुम चार चार रेड वाला उठाओगे, फोर सेट चूज करोगे, नहीं तो क्या एक फाइव सेट चूज करोगे, तो या तो ट्रायंगल होगा, या तो क्वाड्रिलेटरल होगा, या तो पेंटागन होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास केवल ABCD 5 पॉइंट्स है, कितने में से आउट ऑफ 5 रेड पॉइंट्स, क्योंकि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, कोई भी ब्लू वर्टेक्स मैं नहीं ले रहा हूं, तो ये 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5, तो 5C3 10 होता है, 5C4 5 होता है, 5C ये 16 हो गया, तो नंबर ऑफ विथ नो ब्लू वर्टेक्स, तो मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ पॉलीगॉन विथ एटलीस्ट वन ब्लू वर्टेक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस नंबर ऑफ पॉलीगॉन विथ नो ब्लू वर्टेक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा, 466 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना, 450, खेला खत्म। देख लो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, टोटल कितने थे, टोटल मेरे पास 9 पॉइंट्स थे, अब 9 पॉइंट्स में से मैंने क्या किया, 9 पॉइंट्स में से नंबर ऑफ पॉलीगॉन कितने हो जाएंगे, उसमें ये ब्लू वाले को हटा के रेड वाले कितने हो सकते हैं उसे मैंने माइनस कर दिया। आगे चल रहा हूं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, इतना, ठीक है, ये क्लास में करवाया हुआ समझा कि ये एक सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 2, क्या कह रहा है, ये एक लाइन है, मैंने मुझे याद है मैंने कुछ कहा था कि अगर तुम लाइन में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लो, पैरामेट्रिक में एक्स को लैम्डा ले लो तो टेन कैसा दिखेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो यहाँ पे लाई कर रहा है 10 - 4λ/3, तो ये पॉइंट पी ले लेता हूँ, यहाँ से क्या पूछ रहा है, लोकस ऑफ क्या, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, तो यहाँ से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ होगा टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, इतना, तो ये पूछ रहा है,
ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कह रहा है ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो वेरी करेगा ना, तुम अलग अगर तुम अलग अलग पॉइंट लोगे तो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा तो क्या होगा, सबका मिड पॉइंट अलग अलग आएगा नहीं क्या, सबका मिड पॉइंट अलग अलग आएगा, तो सबका जो मिड पॉइंट अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो ये एक लोकस बनाएगा, तो कह रहा है ये लोकस का इक्वेशन क्या है, तो इसमें सब बनाने का जरूरत नहीं, ये ले लो और इसका मिड पॉइंट ले लो, एम एम को ले लेता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन, तो मैं इसे दो टाइप से देख सकता हूँ। एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये तो हमारे पास लॉजिक था कि अब मैं ए बी लाइन को दो तरीके से देख सकता हूँ, वन लाइन टू फॉर्म, याद आ रहा है, वन लाइन, नहीं तो तुम मिड पॉइंट वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि अगर ये यहां से पास कर रहा है तो तुम ए बी का फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो, ये एक्स वन वाई वन है तो इक्वेशन टी इज इक्वल टू एस वन होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा वो इसे सेटिस्फाई करेगा। ये नहीं करके तुम ये भी कर सकते थे वन लाइन टू फॉर्म, मतलब मेरा कहना है कि ए बी को कैसे देखो, अगर ए बी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट पी देखोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टू, तो ये दिखेगा एक्स, इसका इक्वेशन था टी इज इक्वल टू जीरो, तो ये दिखेगा एक्स इंटू लैमडा प्लस वाई इंटू टेन माइनस फोर लैमडा बाय थ्री इज इक्वल टू टू, और इसी को अगर ए बी को ऐसा देखोगे कि इफ एम एक्स वन वाई वन इज मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट की तरह देखोगे तब तब ये टी इज इक्वल टू एस वन था, तो टी इज इक्वल टू एस वन का मतलब हो गया एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, मगर क्या हो रहा है ये जो दोनों लाइन है ये दोनों तो एक ही इक्वेशन का लाइन है, ए बी का लाइन है, तो इसका मतलब वन और टू आइडेंटिकल होगा, और अगर वन एंड टू आइडेंटिकल होगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा, लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स वन इज इक्वल टू टेन माइनस फोर लैम्डा डिवाइडेड बाय थ्री वाई वन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय क्या एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर, तुम्हें लैम्डा एलिमिनेट करना है, कैसे, यहां से क्या कर सकते हो लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से क्या कर सकते हो लैम्डा का, नहीं तो और एक तरीका बोल रहा हूँ, ठीक है, ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, यहां से क्या निकाल सकते हो, एक अल्टरनेट बता रहा हूँ, ये एक फैमिली ऑफ लाइन है, क्योंकि इसे तुम L1 प्लस लैम्डा L2 जीरो निकाल के तुम इसका क्या निकाल सकते हो, फिक्स पॉइंट निकाल सकते हो, ये फिक्स पॉइंट अगर तुम निकालोगे तो वो तुम्हारे पास निकलेगा 3 बाय 5 और 4 बाय 5, और ये जो फिक्स पॉइंट है वो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो उससे भी आंसर आ जाएगा, देखना है तो देख लो, ये अल्टरनेट मेथड है। आगे चलो, द वर्ड प्लेटोनिक इन विच द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये आसान सा था, नंबर ऑफ फोर लेटर्स विथ नो लेटर बीइंग रिपीटेड, अरे तो फोर इसमें तो मुझे लगा था रिपीट कर रहा है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, कोई रिपीट कर रहा है क्या, तब तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, ये 8p4 हो जाएगा, निकाल के देख लेना, 1680 होता है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, और नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड विद नो लेटर रिपीटेड सच दैट लेटर पी ऑलवेज अपीयर, मतलब पी हर समय होना पड़ेगा, तो चार लेटर वर्ड है जिसमें पी हर समय होना पड़ेगा, तो अगर पी तुमने सेलेक्ट कर ही लिया है तो अब ये रिमेनिंग तीन को तो सेलेक्ट करोगे पहले ना, यहाँ पे थ्री लेटर्स को जो सेलेक्ट करोगे, थ्री लेटर्स को जो सेलेक्ट करोगे कितना है टोटल तुम्हारे पास, आठ में से पी तुमने ले लिया है, तो एल ए टी ओ एन एल ए टी ओ एन आई और सी में से एक लेटर यहाँ पे आएगा, तीन लेटर आएगा, कितने तरीके से, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास सेवन सी थ्री तरीके से। अब सेवन सी थ्री तरीका जो है उसे तुम क्या करोगे, इन्हें आपस में वो जो चार लेटर तुम्हें मिल गया जैसे पी के साथ जो भी तुम्हें मिला एक्स वाई और जेड, ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, फोर फैक्टोरियल, तो सबसे पहले P के साथ तुम जो सेलेक्ट करोगे वो कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे, 7C3, और रिमेनिंग चार को कितने तरीके से अरेंज करोगे, 4 फैक्टोरियल, ये निकाल के देख लेना, ये 840 होता है। आगे चलो, लेट S1 एंड S2 बी द टू सर्कल्स विद रेडियस R1 एंड R2 respectively such that R1 is less than R2. Both S1 and S2 passes through A 2 comma 0, B 4 comma 0. A 2 comma 0,
भी 4,0 से पास करने वाला ये एक सर्कल है, मगर ये ऐसा सर्कल है जो और किसी को भी टच कर रहा है, किसको, y इज इक्वल टू x। तो जैसे तुमने दो पॉइंट से पास करने वाला सर्कल देखा, दिमाग में क्या आएगा, हमने एक चीज देखा था क्या, दैट इज नोन एज फैमिली ऑफ सर्कल टू पॉइंट फॉर्म। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसा दिखेगा था, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस y माइनस फोर इंटू वाई माइनस जीरो प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, ये लाइन का इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा y इज इक्वल टू क्या, जीरो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर वाई माइनस जीरो, सॉरी गलती लिखा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फोर फाइव सिक्स एक्स प्लस एट प्लस वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा, ये अब टच कर रहा है, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस, यार यहाँ पे वो मतलब यहाँ पे गोल्डन एल्गो लगा, गोल्डन एल्गो क्या था, गोल्डन एल्गो टेंजेंट का ये था कि जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, और वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो मेरा कहना है ये वो फैमिली ऑफ कर्व है, और इसको तुम आप सॉल्व कर लो किसके साथ, वाई इज इक्वल टू एक्स के साथ। तो अगर वाई इज इक्वल टू एक्स डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स और ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स प्लस लैमडा एक्स प्लस एट इक्वल टू क्या, जीरो। ये क्या मिला, क्वाड्रेटिक। मतलब अगर ये वाई इक्वल टू एक्स टेंजेंट होगा तब क्या होगा, तब इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा तो फिर वो हो जाएगा यहाँ का बी, तो लैमडा माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू एट का वैल्यू जीरो होगा, इससे लैमडा का वैल्यू निकाल लो, या तो 14 निकलेगा या तो माइनस टू निकलेगा, दो निकला तो, दो निकला तो अब दो तुम्हारे पास सर्कल निकलेगा, क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, ठीक है। तो अब तो दोनों सर्कल निकल गया ना, एक लैमडा 14 ले लो तो सर्कल, एक सर्कल जो दिखेगा, सर्कल वन जो है इस वाले में लैमडा 14 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 14 वाई, यहां से रे इस वाले से प्लस एट इक्वल टू जीरो, और सर्कल टू कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस लैमडा का वैल्यू ये 14 है इस वाले से, और लैमडा अगर माइनस टू है तो माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वाई प्लस एट इक्वल जीरो, तो ये दो रिक्वायर्ड सर्कल होगा, देखना है तो देख लो फिर आगे चलो। आगे चलें, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल फाउंड बाय द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल्स इतना एंड इतना, रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, ठीक है चलो। तो पहले तो देखते हैं इसका कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं, तो ये देखने के लिए इसका C1 कितना आया, सेंटर कितना आया -3, और R1 कितना आ गया 3, C2 कितना हो गया 1,0, R2 कितना आया 1, C1 C2 का डिस्टेंस कितना आया 4, वो किसके इक्वल है, तो ये क्या हुआ, टचेस एक्सटर्नली। तो रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल फाउंड बाय द कॉमन टेंजेंट्स, तो ये तुम्हारे पास बड़ा वाला सर्कल है C1, ये तुम्हारे पास छोटा वाला सर्कल है C2, एक टेंजेंट ये होगा, एक टेंजेंट ये होगा, और एक टेंजेंट ये होगा, तो कह रहा है कि ये टेंजेंट में इंस्क्राइब कौन सा सर्कल है, तो तुम्हें कुछ निकालना ही नहीं था इसमें, इसमें बस डायग्राम ड्रॉ करके देखना था, क्योंकि यही तो इन इन सर्कल हो गया इस ट्रायंगल का, और इसका रेडियस क्या है, रेडियस 1 है, तो इसलिए रेडियस 1 होगा, यही पूछ रहा है ना, रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में, ABC में, तो ABC में ये वाला ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, लार्जेस्ट सर्कल। समझ में आ रहा है क्या, कि क्या कह रहा है, कह रहा है कि
सर्कल अच्छे से नहीं बन सकता है, हो सकता है ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल और एक फिर बड़ा सर्कल होगा जो इन्हें भी टच कर रहा है, ये जो ऐसा टच करके जा रहा है, सेंटर को भी टच कर रहा है, तो इसका रेडियस दिया, इस बड़े वाले का निकालना है। तो पहले C1 और C2 के बीच में रिलेशन देखते हैं, क्या C1 और C2 के बीच में कोई रिलेशन होगा? ये मेरा छोटा सर्कल है, ये C1 है जिसका रेडियस R1 है, ये एक बड़ा सर्कल है, ये भी दोनों को टच कर रहा है, सेंटर्स को भी टच कर रहा है, ये इस टाइप से जा रहा है, ठीक है, उससे यहां पे कहीं पे इसका सेंटर C2 है। अगर एक्सिस को सेंटर टच करता है तो रेडियस सेंटर को ज्वाइन करते हैं, तो ये R1, ये अगर R1 है तो C1 का कोऑर्डिनेट दिखेगा R1, R1। C2 का कोऑर्डिनेट कैसा दिखेगा? R2, R2, नहीं क्या? अगर कोई भी, चाहे कोई भी सर्कल हो, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस, दोनों एक्सिस को टच करता है तो सेंटर आर, अगर तो R1, R1, तो सेम लॉजिक से तो C2 भी वही होगा ना, क्योंकि ये और ये हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्या होगा? तो ये लेंथ भी तो R1 होगा, और ये लेंथ क्या होगा? ये लेंथ भी R2 होगा। तो तुम्हारे पास R1 R2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा क्या? C1 C2 इज इक्वल टू क्या होने वाला है तब? ये R1 प्लस R2, C1 C2 का मतलब क्या हुआ? रूट ऑवर ऑफ क्या? R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? R1 प्लस R2। रिलेशन निकालना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये 2 ये 2 टाइम्स ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस R1 R2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2। तो ये हो जाएगा मेरे लिए R1 स्क्वायर माइनस 2 4 5 6 R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर का वैल्यू क्या? 0। तो अगर मैं R2 से डिवाइड कर दूं या R1 से डिवाइड कर देता हूं, छोटा है, तो ये R2 बाय R1 का होल स्क्वायर माइनस 6 R2 बाय R1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से R2 बाय R1 का वैल्यू माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4/2 माइनस, तो R2 बाय R1 इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2। मगर मैं जानता हूं कि R2 जो है वो R1 से बड़ा है, तो बड़ा वाला वैल्यू लेगा, इसलिए R2 बाय R1 जो होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास 3 प्लस √2। तो अब लॉजिक देखो मैं क्या लगाने वाला हूं, यहां तक पहले समझो, ठीक है? ठीक है, मेरा अब ये लॉजिक लगाना है कि जो चीज C1 और C2 के साथ हो रहा था, वही चीज तो C2 और C3 के साथ भी हो रहा है ना। तो इसका रेडियस R1 था, इसका रेडियस R2, ये R2 और ये R3, तो इसका मतलब अगर मुझे R2 बाय R1 अगर मुझे 3 प्लस 2√2 मिला, 4√2 है, तब ये 3 प्लस 2√2 है, हाँ। अगर ये 3 प्लस 2√2 मिला तो सेम चीज तो R3 बाय R2 में भी होगा ना। तो इसका मतलब है कि तुम्हें R1, तो हेंस खेला ही खत्म हो गया। तो इससे इसका मतलब है कि तुम्हें R1 और R3 के बीच में रिलेशन मिल गया। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं 1 और 2 को 1 × 2, तो R2 और R2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? R3 बाय R1 इक्वल टू क्या? 3 प्लस 2√2 का क्या होल स्क्वायर। जब इतना एक लंबा रहता है तो ऑलवेज R3 को, इसे लैम्डा ले लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ R1, लैम्डा का वैल्यू याद रखना 3 प्लस 2√2, R1 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, इसलिए R3 का वैल्यू लैम्डा है। अब क्या निकालने बोल रहा है? एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट, इफ एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज 1, सॉरी हाँ गलती मैंने पहले, रेडियस 1 नहीं है, द एरिया ऑफ द क्या? लार्जेस्ट सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल इज 1, मैंने गलत पढ़ा है, R1 1 नहीं है, चलो क्या 1 है? π × R1² 1 है। तो मुझे एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर π × R3² चाहिए। ये लैम्डा स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? π × R3² क्या हो जाएगा तब? λ × R1 का क्या? होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? R1, ये हो जाएगा π R1² × λ²
पाई आर वन स्क्वायर वन दिया हुआ है, लैमडा स्क्वायर, लैमडा ये है तो लैमडा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 + √2 का होल स्क्वायर। अब निकाल के देख लेना आंसर आ जाएगा। स्टॉप करके समझ जाए तो एक बार समझो दोबारा, ठीक है आगे चलो। फ्रॉम द पॉइंट पी √6, 2 अ लाइन इज ड्रॉन मीटिंग द सर्कल एट ए एंड बी, देन PA प्लस PB कैन नॉट बी। अब यार ये सम वही कर पाएगा जिसके दिमाग में कुछ आएगा, PA प्लस PB तो दिमाग में नहीं आएगा, मगर क्या PA और PB में कोई रिजल्ट दिमाग में आ रहा है, वो आना पड़ेगा कि पावर ऑफ अ पॉइंट का कोई रिजल्ट था क्या, पावर ऑफ अ पॉइंट का क्या था, PA इंटू PB का जो वैल्यू था अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो वो किसके इक्वल था, PT स्क्वायर, और PT लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, √S1, तो ये क्या हो जाएगा, √S1 का होल स्क्वायर। √S1 क्या होगा, P के रेस्पेक्ट में अगर ये डालोगे तो S1 तुम्हारे पास हो जाएगा √6 का स्क्वायर 6 प्लस वाई स्क्वायर का 2 × 2 = 4 -1 ये 9 हो जाएगा। तो 3² = 9 हो जाएगी, तो मतलब तुम्हें PA इंटू PB तुम्हारे पास फिक्स्ड है और PA प्लस PB का रेंज पूछ रहा है। अब दिमाग में क्या आ रहा है, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन था, हाँ क्या नाम था, अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज, क्योंकि चीजें तो पॉजिटिव है, लेंथ है, PA PB हर समय पॉजिटिव होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव होना बढ़ना नहीं लगता, तो क्या बोल सकते हो, PA प्लस PB डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, √PA इंटू PB, तो क्या आ गया इसका मतलब, PA प्लस PB इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू √9 3, 3² कितना 6, तो हर समय 6 से बड़ा होगा, तो PA प्लस PB कैनॉट बी ए बी सी डी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 से बड़ा होना पड़ेगा उसे, देखना है तो देख। देखो इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू ओरिजिन, सपोज ये वो कॉर्ड है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ए और बी, सच दैट ओरिजिन डिवाइड्स इन द रेशियो 4:1, डिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखो दिमाग में कुछ आ रहा है, OA और OB का डिस्टेंस दिया हुआ है, मगर जब तो इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ अ लाइन, तुम्हें इक्वेशन ऑफ AB चाहिए ना, तो इक्वेशन ऑफ AB अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन बोलूं तो वो कैसा दिखेगा, x − 0 cos θ = y − 0 sin θ = क्या r, तो x का वैल्यू कैसा दिखेगा, r cos थीटा, y का वैल्यू कैसा दिखेगा, r sin थीटा, तो एनी पॉइंट ऑन AB कैसा दिखेगा, एनी पॉइंट ऑन AB तुम्हें दिखेगा r cos थीटा और कैसा, r sin थीटा, मगर अगर ये पॉइंट A है तो वो तो इस सर्कल में भी लाई कर रहा है, तो इफ पॉइंट इज A और B देन दे लाई ऑन सर्कल, कौन सा, x² + y² - 3x - 4y - 4 = 0, इसका मतलब r cos थीटा का होल स्क्वायर, r sin थीटा का होल स्क्वायर, 3 × r cos θ, 4 × r sin θ - 4 = 0, तो ध्यान से देखोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, प्लस r के साथ -3 cos θ, इसके कितने रूट्स होंगे, ये एकदम कॉमन एल्गोरिथम है हर जगह लगता है, इसके दो रूट्स होंगे, वो दो रूट्स क्या होंगे, डिस्टेंस होंगे, कौन कौन से डिस्टेंस, R1 और R2, एक OA का डिस्टेंस होगा और एक OB का, मगर याद रखो यहां पे जो तुम ये R लेते हो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब है इसका डायरेक्शन है, एक साइड अगर पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे साइड नेगेटिव लेते हैं हम लोग, वो याद रखो, हाँ वो हम लोग करते थे, डिस्टेंस ऐसा, डिस्टेंस 5 यूनिट तो हम +-5 लिखते थे, तो इसलिए R1 को अगर तुम लैम्डा ले लोगे तो R2 को तुम्हें -4 लैम्डा लेना होगा, वरना होगा भी नहीं ना, देखो वरना अगर तुम 4 लैम्डा ले लोगे तो फंस भी जाओगे यहाँ पे, देखना भी, तो इसका मतलब है R1 वही होगा ना, वही डिस्टेंस है ना 1 और 4 लैम्डा,
आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री कॉस थीटा प्लस फोर साइन थीटा, और आर वन आर टू का वैल्यू क्या है माइनस फोर। तो देखो आर वन आर टू अगर तुम इसे लैम्डा ले लेते हो, ये फोर लैम्डा इसका नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर तुम माइनस लैम्डा लेते हो तब सही है, क्योंकि लैम्डा और माइनस फोर लैम्डा, तो इसका मतलब माइनस फोर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर, तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन, मतलब लैम्डा का वैल्यू क्या आया प्लस माइनस। अब आर वन प्लस आर टू क्या हो जाएगा, लैम्डा माइनस, तो ये माइनस थ्री लैम्डा इज इक्वल टू क्या थ्री कॉस थीटा प्लस क्या फोर साइन थीटा। तो अगर इसे सॉल्व करना है तो इसे सॉल्व कैसे करोगे, लैम्डा का वैल्यू प्लस माइनस वन है, तो लैम्डा अगर मैं माइनस वन डाल दूं तो थ्री का वैल्यू क्या मिला थ्री कॉस थीटा प्लस क्या फोर साइन थीटा। तो एक वैल्यू तो मुझे देखने से ही मिल जा रहा है कि हाँ थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो डिग्री, मगर क्या एक ही वैल्यू होगा, नहीं। वो आप सॉल्व करने के लिए तुम्हें थ्री इज इक्वल टू थ्री कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो वन माइनस क्या टेन स्क्वायर थीटा बाय टू बाय क्या वन प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस फोर साइन थीटा क्या हो जाएगा टू टेन थीटा बाय टू बाय क्या, आगे मैं छोड़ रहा हूँ हाँ, इससे किसका वैल्यू निकाल लोगे टेन थीटा बाय टू का वैल्यू निकाल लोगे क्या, उससे टेन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो टू टेन थीटा बाय टू बाय क्या वन प्लस टेन स्क्वायर। एक बार टेन थीटा निकल गया तो इक्वेशन तो ये तो थीटा तो स्लोप ही है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ क्या होगा टेन थीटा, क्योंकि ये कहाँ से पास कर रहा है ऑरिजिन से, अगर पास ही कर रहा है तो कैसा दिखेगा y माइनस जीरो इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ m, तो स्लोप टेन थीटा इंटू कितना x माइनस जीरो, देखना है तो देख लो। डिस्टेंस दिया हुआ है दिमाग में डिस्टेंस फॉर्म आता है, नहीं और एक तरीके से कर सकते हो वो भी अपने में एक अच्छा तरीका है, आगे चलना वो तरीका के लिए क्या है कि तुम्हें ये देखना होगा कि इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का सेंटर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो वो हो जाएगा थ्री बाय टू और क्या टू ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो, ये लैम्डा तो ये फोर लैम्डा, ये ए और ये बी, क्या पावर ऑफ पॉइंट का कोई एक रिजल्ट तुम्हें याद आ रहा है। अगर मैं ओरिजिन और सेंटर को ज्वाइन कर दूं, देखो सेंटर से पॉइंट्स को ज्वाइन करना ये सब एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसे पी ले लेता हूं ये ओरिजिन है और इसे क्यू ले लेता हूं, तो मुझे ओसी का तो लेंथ मालूम है रूट आवर ऑफ थ्री बाय टू का होल स्क्वायर प्लस, मुझे ओसी का तो लेंथ मालूम है ना टू स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री जा नाइन बाय फोर प्लस टू टू जा फोर सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव बाय फोर इज इक्वल टू फाइव बाय टू, इसको एल ले लेता हूं, तो मुझे ओसी का लेंथ एल मालूम है। अब अगर मैं QP एंड AB में पावर ऑफ अ पॉइंट लगाऊं तो ये वाले कहां पे मीट कर रहे हैं O में मीट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं BO into OA is same as क्या OQ into OP, तो BO मेरे लिए क्या हो जाएगा 4 लैम्डा into क्या लैम्डा, OQ क्या हो जाएगा OQ मेरे पास ये तो रेडियस है तो वो R plus L हो जाएगा, और OP क्या हो जाएगा R माइनस एल, रेडियस तो निकाल सकते हो ना रूट ओवर 41 बाय 4 आता है, तो अगर ये डालोगे तो इससे लैम्डा का वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव, अब यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव लेना 1, नेगेटिव लोगे तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा, तो लैम्डा अगर 1 आ गया तो इसका मतलब ओबी का लेंथ क्या हो गया 4 ओबी का लेंथ, और ओए का लेंथ क्या हो गया 1, तो एबी का लेंथ क्या हो गया 5। अब दोबारा मैं ग्राफ बना, मैं बार बार कहता हूँ कि ग्राफ दो तीन बार, बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें पता चल गया, इसका लेंथ तुम्हें पता चल गया, तब तो गोल्डन रूल क्या था परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये तो रेडियस हो गया, ये पास कहां से कर रहा है ओरिजिन से, इसलिए ये लाइन का इक्वेशन कैसा दिखेगा वाई इज इक्वल टू क्या एम एक्स, ये लेंथ तुम्हें पता चल गया 5/2, रेडियस तुम्हें पता है रूट ओवर 41/2, तो क्या तुम सीएम का लेंथ नहीं निकाल पाओगे, हाँ पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर और ये 2 आ जाएगा, तो अगर सीएम 2 हो गया तो सी तो तुम्हें मालूम है कितना 3/5
थ्री बाय टू कॉमा टू, तो सीएम का तो डिस्टेंस और एक तरीके से निकल सकता है ना, क्योंकि ये वाई इक्वल टू एम एक्स ये लाइन है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एम इंटू एक्स वन माइनस वाई वन बाय रूट ऑवर ऑफ क्या एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू क्या टू, और एक्स वन वाई वन यहाँ पे तो सेंटर से ड्रॉप कर रहे हो, तो एम इंटू थ्री बाय टू माइनस टू बाय रूट ऑवर ऑफ क्या एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू, पुट अप करके देख लेना आंसर आ जाएगा, ये भी एक तरीका है। आगे चल रहा हूं, इफ ए इज इक्वल टू सिक्स कॉमा जीरो बी इज इक्वल टू जीरो कॉमा एट आर टू पॉइंट्स, पी इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट एंगल ए पी बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, लोकस ऑफ पॉइंट पी, ये तो हो ही गया ना, एंगल ए पी बी 90 डिग्री दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है सिक्स कॉमा जीरो, बी कितना दिया हुआ है जो, और कह रहा है कि पी एक ऐसा है कि पी हर समय 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री देखते दिमाग में कुछ आया है कि पी कहाँ पे लाई करेगा, सर्कल में लाई करेगा जिसके लिए ए बी डायमीटर है, तो तुम ये डायरेक्टली तो पी लाइज कहाँ पे, लोकस मतलब कहाँ पे लाई करेगा, लाइज ऑन सर्कल विथ ए बी एस डायमीटर, तो इसलिए इसका लोकस होगा एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो इंटू वाई माइनस एट इक्वल टू वन, निकाल के देख लेना। सेकंड क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ सच पॉइंट पी सच दैट एरिया ऑफ, मतलब अब इस सर्कल में, इस सर्कल में अब तो लोकस मिल गया तुम्हें, ये ए तुम्हारे पास 6.0 है, बी तुम्हारे पास 0.8 है, तो ए बी का लेंथ तुम्हारे पास 10 है, तुम्हें वो पॉइंट पी निकालना है सच दैट ये जो लेंथ है इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया कितना 25 यूनिट, तो तरीका देखो ये है, पी निकालने नहीं बोल रहा है, ध्यान से देखो हर समय याद देखना कि क्या निकालने बोल रहा है, नंबर ऑफ सच पॉइंट्स निकालने बोल रहा है, हाँ रेदर देन पॉइंट पी को निकालो। देखो अगर पी का लेंथ डायमीटर से रेडियस से छोटा होगा तो ऐसे चार पॉइंट्स होंगे यानी सेम रेडियस सेम डिस्टेंस में, रेडियस कितना है 5, तो अगर 4 होंगे तो ऐसे तो 4 चार पॉइंट्स मिलेंगे, अगर रेडियस से बड़ा है तो वो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम रेडियस ही हो सकता है 5, मगर रेडियस अगर है तो केवल 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा एग्जैक्टली वर्टिकली ऑपोजिट, क्योंकि उससे अगर तुम नीचे आ जा रहे हो तो ये जो डिस्टेंस होगा ये आर से कम होगा, तो सब खेला इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ पीएन, पीएन का लेंथ क्या होगा, ये एरिया तो दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में, एरिया कितना दिया हुआ है इस पीले वाले का पीए बी का 25, मतलब हाफ इंटू क्या हो जाएगा ए बी इंटू पीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, मतलब हाफ इंटू ए बी का लेंथ क्या हो जाएगा 10, पीएन का लेंथ क्या हो गया पीएन इक्वल टू कितना 25, तो पीएन का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/10 5, अरे यार 5 तो इसका रेडियस है क्योंकि 10 तो डायमीटर है, और अगर ये रेडियस है इसका मतलब है कि ओरिजिनली पी को कहां पे होना पड़ेगा एकदम मिडिल पॉइंट से जाके ऊपर होना, हाँ यहां पे अब तुम पी निकाल सकते होंगे अगर पूछ रहे तो, और ये वाला भी पी हो जाएगा, तो ऐसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे केवल 2 मिलेंगे, ये इसलिए क्योंकि वो रेडियस के इक्वल मिला रहे, तो ऐसा रेडियस क्योंकि इससे छोटा अगर नीचे में जाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो हैंस ऐसे 2 पॉइंट्स होंगे, देखना है तो देख लो। चलो सम्स को करने होंगे, डाउट पूछने होंगे, बात बस बात वही है, ठीक है, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में पेन और होना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये एक बेटर है कि मैं घर में बैठ के तुम्हें एक चीज दे पा रहा हूं, मगर उसे यूज कैसे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है, डिस्ट्रैक्शन को कम करूं।